नमस्कार जोहार, झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। आज का लाइक है 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। प्री वैक्सीनेशन देने के लिए सीएम हेमंत सोरेन ने मांगी मदद, पीएम मोदी को लिखा पत्र। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मांग की है कि राज्य में 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को टीकाकरण के लिए निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए। पत्र में उन्होंने कोरोना काल में राज्य की वित्तीय हालत का हवाला देते हुए लिखा कि सीमित संसाधनों के चलते टीकाकरण पर करीब 1100 करोड़ रुपये का खर्च उठाने में राज्य समर्थ नहीं है, यह बड़ा वित्तीय बोझ है। उन्होंने राज्य पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को कम करने के लिए केंद्र से मदद मांगी है। लगातार गिर रहा है कोरोना का ग्राफ, 19 जिलों में नहीं हुआ कोरोना से एक भी मौत। राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या में भी लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। सोमवार को 19 जिलों में एक भी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई। राज्य में कुल 14 लोगों की मौत कोरोना संक्रमण के कारण हुई, उनमें से रांची से 3, जमशेदपुर से 8 मरीजों के अलावा पलामू, रामगढ़ और सिमडेगा से एक एक मरीज शामिल है। झारखंड में पहली से दसवीं कक्षा के 40 लाख को घर घर तक पहुंचाई जाएगी किताब, आपदा प्रबंधन विभाग ने दी अनुमति। झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के किताबों की होम डिलीवरी होगी। पहली से दसवीं कक्षा तक के बच्चों को सत्र 2021-22 की किताबें उनके घरों तक पहुंचाए जाएंगे। स्कूली शिक्षा विभाग को गृह कारा व आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से हरी झंडी मिल गई है। झारखंड राज्य शिक्षा परियोजना के निदेशक शैलेश कुमार चौरसिया ने बताया कि झारखंड के लगभग 40 लाख बच्चों को निःशुल्क किताब मुहैया कराई जाएगी। लॉकडाउन के कारण पढ़ाई बाधित न हो और बच्चों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, उसके लिए किताब उनके घर तक पहुँचाने का निर्णय लिया गया है। कोरोना से ग्रामीण डाक सेवकों की मौत पर 10 लाख का मुआवजा। कोरोना से मौत होने पर अब ग्रामीण डाक सेवकों के आश्रितों को भी 10 लाख रुपये मुआवजा मिलेगा। पहले यह सुविधा नियमित कर्मचारियों को ही मिलती थी। कोडरमा के डाक निरीक्षक संजय संगम ने बताया कि सरकार के मृतक के आश्रित को मुआवजा देने का प्रावधान कर दिया है। कोरोना संक्रमण से कोई डाक कर्मियों की मौत हो गई है, ग्रामीण डाक सेवकों ने भी अपनी जिंदगी गंवा दी है। इसी वजह से डाक विभाग ने ऐसे ग्रामीण डाक सेवकों को भी मुआवजा देने का फैसला लिया है। रघुवर दास, अनुराग गुप्ता व अजय कुमार पर पीसी एक्ट लगाने के लिए कोर्ट में आवेदन। राज्यसभा चुनाव 2016 में हॉर्स ट्रेडिंग के मामले में दर्ज केस में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, विशेष शाखा के एडीजी अनुराग गुप्ता व रघुवर दास के सलाहकार रहे अजय कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार के निवारण अधिनियम जोड़ने के अनुसंधानकर्ता ने कोर्ट में आवेदन दिया है। उक्त केस जगन्नाथपुर थाने में 29 मार्च 2018 को दर्ज हुआ था। इस केस में पीसी एक्ट जोड़ने के लिए अनुसंधानकर्ता सोमवार को भी अनुमति लेने कोर्ट गए थे। अब 21,000 तक वेतन पाने वाले को मिलेगा पेंशन, आपकी फैमिली को भी मिलेगा लाभ। केंद्र सरकार ने कोरोना से प्रभावित लोगों की मदद के लिए बीच बीच में नई नई योजना ला रही है। इसी कड़ी में कर्मचारी राज्य बीमा निगम उन परिवारों को पारिवारिक पेंशन योजना का लाभ देने जा रही है, जिसका वेतन 21,000 रुपये तक था और कोरोना से उनकी मृत्यु हो गई है। पीएम किसान योजना में उसी किसान को मिलेगा लाभ जिसके नाम पर होगी खेती वाली जमीन। पीएम किसान योजना के नाम से लोकप्रिय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ हर किसान को नहीं मिलेगा। इस योजना के लाभुक वही हो सकते हैं जिनके नाम पर खेती वाली जमीन होगी। सभी किसान इसके लाभार्थी या लाभुक नहीं हो सकते। इस योजना में ऐसे किसानों को साल में 6,000 रुपये दिए जाते हैं जो सिर्फ खेती पर आश्रित है, इसके पास आमदनी का कोई दूसरा बड़ा स्रोत नहीं है। यदि किसान अपनी जमीन पर उगाई सब्जी या कोई फसल बेचकर धन उपार्जन करता है तो इसमें कोई खराबी नहीं है, लेकिन यदि किसान नहीं सरकारी स्कूल मास्टर है, गैर किसान योजना का लाभ नहीं ले सकता। करोड़ों रुपये की मलेरिया की दवा स्टोर में बर्बाद, पिछले साल इस बीमारी के चपेट में आए थे 17,000 से ज्यादा लोग।
रांची जिला की इटकी यशमा आरोग्यशाला परिसर में मलेरिया और कालाजार की करोड़ों रुपए की जीवन रक्षक दवाइयां और 5 किट बरामद किए गए हैं जो स्टोर में रखे रखे बर्बाद हो गए। सभी एक्सपायर दवाइयां एक वार्ड में डंप कर गई थी। यहां दवा राज्य मलेरिया सेल की बताई जा रही है। यह हाल तब है जब राज्य में मलेरिया का प्रकोप हमेशा से रहा है। पिछले साल सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग 17,000 लोग मलेरिया की चपेट में आए थे और 8 लोगों की मौत हो गई थी। झारखंड में शुरू हो सकती है अनलॉक की प्रक्रिया। ई पास समेत इन मामलों में मिल सकती है छूट। सीएम हेमंत सोरेन दिए बड़े संकेत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने COVID-19 संक्रमण को काबू करने के लिए लगाई गई पाबंदियों में अब छूट देने की शुरुआत के संकेत दिए हैं। उल्लेखनीय है कि अभी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत 3 जून तक राज्य में कई तरह की पाबंदियां लगी है। मुख्यमंत्री ने अनलॉक 1 के लिए सुझाव आमंत्रित करते हुए कहा कि अब जीवन की रक्षा के साथ साथ लोगों के रोजगार पर भी ध्यान देने की जरूरत है। इसके लिए मंथन किया जा रहा है। झारखंड में 2022 तक नहीं बिकेंगे पान मसाले। 1 साल के लिए बड़ा बैन। 11 ब्रांड के मसालों में मिले थे प्रतिबंधित मैग्नीशियम कार्बोनेट। झारखंड की हेमंत सरकार ने पान मसालों की बिक्री और उपयोग पर 1 साल के लिए बैन बढ़ा दिया है। इससे पहले सरकार ने वर्ष 2020 में 1 साल के लिए पान मसालों की बिक्री पर रोक लगा दी थी। एक आदेश के तहत अगले 1 साल के लिए और इसे बढ़ा दिया गया है। टेस्ट में 11 प्रमुख ब्रांड के पान मसालों की प्रतिबंधित मैग्नीशियम कार्बोनेट पाए जाने के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया था। बता दें कि राज्य सरकार ने 11 ब्रांड के पान मसालों को बंद का आदेश दिया है। कोविशील्ड का 2 डोज लेने वाले ही जा पाएंगे हज पर। सेंट्रल हज कमेटी ने रिपोर्ट अपलोड करने का दिया निर्देश। मुकद्दस सफर हज पर उन्हीं लोगों को जाने की इजाजत मिलेगी जिन्होंने कोविशील्ड वैक्सीन का दोनों डोज लिया है। ऐसा सऊदी अरब सरकार की हज 2021 की हेल्थ गाइडलाइन के कारण जरूरी है। इस बार 18 से 60 वर्ष के बीच लोगों को ही हज पर जाने की अनुमति दी गई है। गाइडलाइंस के अनुसार पिछले 6 माह में बीमारी के कारण हॉस्पिटल में एडमिट होने वाले जो हज में शामिल नहीं हो पाएंगे। अलग राज्य आंदोलनकारियों को अब 20 साल बाद मिलेगा नौकरी और पेंशन। झारखंड को बिहार से अलग कर नया राज्य बनाए जाने के लिए जिन लोगों ने आंदोलन में महती भूमिका निभाई थी उन्हें सम्मानित करते हुए अब राज्य सरकार नौकरी और पेंशन देगी। जिन लोगों ने इस आंदोलन में अपनी जान गंवाई है उनके परिजनों के लिए भी यह योजना लागू रहेगी। क्रांतिकारी आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की जयंती पर 15 नवंबर 2000 को झारखंड एक अलग राज्य बना था, लेकिन इसके लिए लंबे समय तक एक आंदोलन चला था जिसमें कई आंदोलनकारी समय पर जेलों में ही रहे थे या फिर आंदोलन के दौरान कुछ अपनी जान भी गंवाई थी। अब खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं से। पीएम ने किया ऐलान, नहीं होगी CBSE 12वीं की परीक्षा। CBSE की 12वीं बोर्ड परीक्षा नहीं होगी, तमाम अटलकों पर विराम लग गया है। इसकी घोषणा पीएम नरेंद्र मोदी ने मंगलवार शाम को की। इसे लेकर हाल में राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में राज्यों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक हुई जिसमें सभी राज्यों ने अपनी राय रखी। पीएम मोदी ने 12वीं बोर्ड परीक्षा पर एक अहम की अध्यक्षता में इस दौरान पीएम मोदी ने उन सभी संभावित विकल्पों के बारे में बताया कि जो विभिन्न राज्यों और अन्य पक्षकारों के साथ हुई व्यापक विचार विमर्श के बाद सामने आए हैं। बरमाला से पहले दुल्हन ने चलाई गोली, 3 पर FIR दर्ज, पिता गिरफ्तार। अभी तक आपने बारात में या विवाह समारोह में बारातियों और अन्य लोगों द्वारा खुशी जताने के लिए बंदूकें लहराते हुए हवाई फायरिंग करते देखा होगा या सुना होगा, लेकिन यह संभवतः पहली बार है कि किसी दुल्हन ने अपनी शादी में गोलियां चलाई है। लेकिन दुल्हन का ये दुस्साहस ने खुशी के रंग में भंग डाल दिया। इसका ये नासमझी भरा कृत्य उसको तथा उसके परिवार को काफ़ी भारी पड़ा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की तबीयत बिगड़ी, एम्स में हुए भर्ती। देश में 12वीं बोर्ड के एग्जाम की तारीख के ऐलान से पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को मंगलवार को एम्स में भर्ती कराया गया है। पोस्ट कोविड की समस्या की वजह से उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई, इसके बाद उन्हें यहां भर्ती कराना पड़ा। 21 अप्रैल को वे कोरोना की चपेट में आए थे, इसके बाद 5-6 मई को दौरान उनका कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ गई थी, एम्स अधिकारियों ने यह जानकारी दी। सरकार ने कहा बच्चों में कोरोना का संक्रमण गंभीर नहीं होता, लेकिन वायरस अपना व्यवहार बदल ले तो इन्फेक्शन बढ़ सकता है।
केंद्र सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर का असर बच्चों पर पड़ने की आशंका से तैयारी शुरू कर दी है। देश में कोरोना के हालात पर मंगलवार की गई कॉन्फ्रेंस में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल ने कहा कि बच्चों में कोरोना की बीमारी गंभीर नहीं होती, लेकिन हो सकता है कि वायरस अपना व्यवहार बदल ले तो इन्फेक्शन बढ़ सकता है, इसी लिहाज से तैयारियां की जा रही है। रसोई गैस की कीमत में बड़ी कटौती, 123 रुपया सस्ता हुआ सिलेंडर। जून की पहली तारीख को जहां कई राज्यों में ऑनलाइन की प्रक्रिया शुरू होने से आम लोगों को राहत की सांस ली है, वहीं रसोई गैस के मोर्चे पर भी राहत बड़ी खबर आ रही है। सरकारी तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर प्राइस की समीक्षा करती है और जरूरी बदलाव किया जाता है जो पूरे महीने लागू रहती है। ताज़ा खबर यह है कि 1 जून से रसोई गैस की कीमतों में बड़ा बदलाव हुआ है। जानकारी के मुताबिक 19 किलो वाले कमर्शियल रसोई गैस के सिलेंडर की कीमत में 123 रुपये की कटौती हुई है, वहीं 14 किलो के बिना सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत में बदलाव नहीं हुआ है। राजधानी दिल्ली में 14.2 किलो के बिना सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत इस महीने भी 809 रुपये प्रति सिलेंडर रहेगी, वहीं राष्ट्रीय राजधानी में 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर पर सस्ता होकर 1473 रुपये 5 पैसा हो गया है। मध्य प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि से प्रयागराज में प्याज टमाटर के थोक भाव में कमी, खुदरा कीमत भी गिरेगी। पिछले दिनों प्रयागराज में बारिश और मध्य प्रदेश में ओले भी पड़े थे, इसकी वजह से प्याज और टमाटर के दाम में काफ़ी गिरावट हो गई थी। प्याज का दाम घटकर 4 से 5 रुपये से लेकर 10-12 रुपये और टमाटर भी 4 रुपये से लेकर 8-10 रुपये किलो हो गया है। थोक रेट में गिरावट होने से फुटकर कीमत भी कमी आई है। स्वामी रामदेव बोले, 1 हफ्ते के अंदर ब्लैक फंगस की दवा देने वाला हूं, फाइनल स्टेज पर है काम। योग गुरु स्वामी रामदेव ने दावा किया है कि वह जल्द ही ब्लैक फंगस की दवा लेकर आने वाले हैं। यह दवा खुद उन्होंने आज तक के कार्यक्रम में एक बातचीत के दौरान किया। उनके बयान को लेकर उठे विवाद के मसले पर बातचीत के दौरान स्वामी रामदेव ने कहा कि मैं अपने कार्य से मुँह नहीं मोड़ा हूँ। स्वामी रामदेव ने कहा कि तमाम विवादों के बावजूद मैं 18 घंटे सेवा कर रहा हूं और बहुत जल्द ही 1 सप्ताह के अंदर ब्लैक फंगस, येलो फंगस और वाइट फंगस का इलाज आयुर्वेद से देने वाला हूं। काम हो चुका है और प्रक्रिया फाइनल स्टेज में है। बच्चों में बढ़ सकता है कोविड-19 का प्रभाव, हम तैयारियां कर रहे हैं, केंद्र सरकार का कहना है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल ने मंगलवार को कहा, कोविड-19 संक्रमण ने अब तक बच्चों में गंभीर रूप नहीं लिया है, लेकिन यह बदल सकता है। उन्होंने कहा, बच्चों में अक्सर संक्रमण के लक्षण नहीं दिखते हैं, लेकिन वायरस बच्चों में अपना व्यवहार बदल सकता है। बच्चों में कोविड-19 का प्रभाव बढ़ सकता है, हम तैयारियां कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंदन नायल ने संभाला असम राइफल्स के महानिदेशक का कार्यभार। लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नायर ने मंगलवार को असम राइफल्स के महानिदेशक के तौर पर कार्यभार संभाल लिया है। उत्तर पूर्व के प्रहरी के रूप में पहचाने वाले असम राइफल्स के नायर 21वीं महानिदेशक है। असल राइफल्स में पहले इंस्पेक्टर जनरल और कंपनी कमांडर के पद पर रह चुके हैं। नायर को उत्तर पूर्व का समृद्ध अनुभव है। 150 किसानों पर दर्ज केस वापस ले या विरोध का सामना करे केंद्र सरकार, सिरसा में किसान हुआ पंचायत। सिरसा किसान पंचायत ने सरकार को उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के निवास के पास 26 मई को प्रदर्शन करने के आरोप में करीब 150 किसानों पर दर्ज FIR वापस नहीं लेने पर अधिक विरोध का सामना करने की चेतावनी दी है। हिसार डिविजनल कमिश्नर चंद्रशेखर के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड से हटाकर उप मुख्यमंत्री आवास से 200 मीटर दूर पुतला जलाया था। दिल्ली सरकार ने दी मोबाइल ऐप और वेबसाइट के जरिए शराब की होम डिलीवरी की इजाज़त। दिल्ली में शराब के व्यापार के लिए नए आबकारी नियमों के तहत मोबाइल ऐप और वेबसाइट के जरिए शराब की होम डिलीवरी की इजाज़त होगी। दिल्ली आबकारी नियम के अनुसार L13 लाइसेंस धारकों को शराब की होम डिलीवरी करने की इजाज़त होगी। अधिसूचना के अनुसार हॉस्टल, दफ्तर या किसी संस्थान में शराब की डिलीवरी पर रोक रहेगी। मुंबई में 1 जून से प्रतिबंधों में ढील, एक एक दिन के अंतराल पर खुलेंगे गैर जरूरी दुकानें। BMC ने मुंबई में क्रमबद्ध तरीके से कल से प्रतिबंध में ढील के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिया है। आवश्यक दुकानें योजना सुबह 7 दोपहर 2 बजे तक खुलेगी, जबकि गैर जरूरी दुकानें इसी समय एक एक दिन के अंतराल पर खुलेगी। सड़क के दाईं तरफ और गैर जरूरी दुकान सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को, जबकि बाईं तरफ की दुकानें बाकी दिनों में खुलेगी।
नहीं डरते हैं, हम मरने के लिए तैयार हैं। बंदोपाध्याय को सलाहकार बनाने के बाद ममता बनर्जी का बयान। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय को अपना मुख्य सलाहकार बनाने की घोषणा के दौरान कहा कि हम डरते नहीं हैं और हम मरने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा, जो डरते हैं वो मरते हैं और जो लड़ते हैं वो जीतते हैं। डरपोक डरते हैं, सभी को इकट्ठा होकर खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।